फिजिकल डिसेबिलिटी की नई परिभाषा मुंबई के उद्योगपति बी के भावेश ने दी, जिसे हम सबको जरूर सुनना चाहिए। तकलीफ और परेशानियां तो उस दिन होती है जब हम अपनी शरीर की तकलीफों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं, और खरे अर्थ में वहीं से डिसेबिलिटी शुरू होती है। बी के भावेश दृष्टि बाधित है लेकिन एक सफल उद्योगपति हैं। इनके जीवन में ब्रह्मा कुमारीज ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से रोशनी भर दी है। आज वो हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में अपने अनुभवों से दिव्यांग बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भर रहे हैं। मैं समझता हूँ बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग भले सबसे ऊपर की मंजिल पे हो लेकिन कई बार वो जमीन से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि दिल भले यहाँ लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। दरअसल ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तेलंगाना में एक महीने से आई कैन डू इट अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान का समापन हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में हुआ। इसी कार्यक्रम में बी के भावेश ने अपने प्रेरणादायी अनुभव सुनाए। इस समापन कार्यक्रम में वेव इंडिया के सीईओ मिस्टर वसुंधरा, डिसेबल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेंद्र रेड्डी, ब्लाइंड क्रिकेटर महेंद्र वैष्णव, उद्योगपति भावेश भाटिया, विर्तूसा डिजिटल इंजीनियरिंग के सेंटर हेड कृष्णा येडुला, दिव्यांग सेवा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बी के सूर्यमणि, शांति सरोवर की निदेशिका बी के कुलदीप दीदी, सिकंदराबाद की प्रभारी बी के मंजू समेत 1500 से अधिक दिव्यांग लोग उपस्थित रहे। इतने सारे वरदानी आत्माओं को एक साथ देखते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। ईश्वर के आप वरदानी आत्माएं हो। दुनिया के नज़र में कहते हैं कि ये एक श्राप है, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये संदेश संसार को देता है कि ये श्रापित जन्म नहीं है, ये तो एक वरदानी जन्म है। सो आपको जो टी शर्ट भी दिए इसलिए प्रेरणा देने के लिए, आई कैन डू इट, कुछ भी कर सकते हो, हिमालय की चोटी पर भी पहुंच सकते हो, केवल अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि सारी दुनिया का दृष्टिकोण आपके प्रति बहुत श्रेष्ठ और शुभ होगा। इस कार्यक्रम के प्रति तेलंगाना सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अजय कुमार, उन्होंने भी अपना वीडियो मैसेज भेजा। ब्रह्मा कुमारी इस मुद्दे पर जो बस यात्रा करके जो है जो जागृति करे लोगों को इनके समस्याओं के ऊपर, उसके लिए वो विजय होने की वजह से और वो सक्सेसफुल बस यात्रा के नाते हम उनको जो है बधाई देते हैं, और ऐसे कम आगे भी तेलंगाना राज्य सरकार के साथ हम दोबारा फिर करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में दिव्यांग बच्चों ने कल्चरल परफॉर्मेंस देकर सबको अचंभे में डाल दिया। वहीं ब्रह्मा कुमारीज ने कई गैर सरकारी संगठनों को सम्मानित भी किया।